नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजू हेल्प में। राज्य के संविदा कर्मचारियों के नियमती होने की कवायद शुरू, हाईकोर्ट के आदेश के बाद जगी उम्मीद। दोस्तों, जैसा कि आपको बता दें कि विभिन्न राज्यों में संविदा और आउटसोर्सिंग के माध्यम से लाखों कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनको नियमित करने के लिए कवायद शुरू कर दी गई है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य के जो कर्मचारी हैं संविदा आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कर्मचारी हैं, इनकी उम्मीद जग गई है। इसके बारे में जो ज़रूरी अपडेट है, आगे वीडियो में आपको सारी जानकारी डिटेल के साथ देने वाले हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हों सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि दोस्तों हम इस चैनल पर आपके लिए आउटसोर्सिंग संबंधित अपडेट सबसे पहले ला सकें। तो चलिए जानते हैं उस अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, मैं चुके अब उस अपडेट की तरफ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, राज्य में संविदा कर्मचारियों के नियमित होने की कवायद शुरू, हाईकोर्ट के आदेश के बाद जगी उम्मीद। सरकार प्राथमिकता के तौर पर कर्मचारियों को नियमित करे, हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद कर्मचारियों की बड़ी उम्मीद जगी है। राज्य में 15,000 से ज़्यादा संविदा आउटसोर्सिंग दैनिक वेतनभोगी, कार्य प्रभारित, नियत वेतन, अंशकालिक, तदर्थ और उपनल कर्मचारियों के लिए पक्की नौकरी का आस जग गई है। हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद अब शासन स्तर पर नियमितीकरण की कवायद तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि इसमें 2024 की कट ऑफ डेट मानते हुए 10 साल नियमित सेवा वाले पदों की उपलब्धता के हिसाब से नियमित किया जाएगा। आगे आप यहां पर देख सकते हैं, प्रदेश में वर्ष 2013 से पूर्व तक संविदा आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के नियमितीकरण का कोई प्रावधान नहीं था। दैनिक वेतन, कार्य प्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक तथा तदर्थ रूप में नियुक्त कार्मिकों का विनियमितीकरण नियमावली 2013 आ गई थी, जिसमें कर्मचारियों के लगातार 10 साल की सेवा को आधार बनाकर नियमित करने का प्रावधान किया गया था। लेकिन यह नियमावली विवादों में आ गई और हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। इसके बाद हरीश रावत सरकार में दोबारा कवायद शुरू की गई और 2017 में एक नियमितीकरण नियमावली बनाई गई, जिसमें सेवा काल 10 साल से घटा करके 5 साल कर दिया गया। इस पर भी आपत्ति हुई और हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। करीब 7 साल से नियमितीकरण संबंधी सभी काम लटके हुए थे, कर्मचारियों को उम्मीदें भी परवान चढ़ने लगी। हाई कोर्ट के नरेंद्र सिंह बिष्ट और 4 अन्य विशेष अनुमति याचिकाओं की सुनवाई के बाद वर्ष 2013 की नियमितीकरण नियमावली पर मुहर लगाई, जिसके बाद से शासन स्तर पर कवायद शुरू हो गई। अब कार्मिक और वित्त विभाग नियमितीकरण के सभी पहलुओं को बारीकी से देख रहा है। 15,000 से ज़्यादा कर्मचारियों की उम्मीदें भी परवान चढ़ने लगी हैं। जिन विभागों में रिक्त पद होंगे तो उनके सापेक्ष संविदा, उपनल या अन्य माध्यमों से कार्य कर रहे कर्मचारियों को मौका मिल सकता है। रिक्त पदों के सापेक्ष अधिक दावेदार होने पर वरिष्ठता सूची भी बनाई जा सकती है। इन सब के साथ भी ये देखा जाएगा कि कितने पद रिक्त हैं, अर्हता क्या है, आयु कितनी है। शासन के अफसरों का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश के परिप्रेक्ष्य में मंथन शुरू कर दिया गया है। वहीं लोक निर्माण विभाग, दैनिक कार्य प्रभारी कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष बाबू खान का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद बड़ी उम्मीद जगी है। उन्होंने मांग की है कि सरकार प्राथमिकता के तौर पर कर्मचारियों को नियमित करे। सबसे ज़्यादा इस तरह के कर्मचारी लोक निर्माण विभाग और सिंचाई विभाग में कार्यरत हैं। दोस्तों, यह जो अपडेट है उत्तराखंड की है। उत्तराखंड में जो संविदा आउटसोर्सिंग और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, अंशकालिक कर्मचारी हैं, तदर्थ रूप में नियुक्त कर्मचारी हैं, इनको इनकी सेवा नियमावली के आधार पर इनको नियमित किया जा सकता है। इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएँ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करें।